एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की ये पंक्तियां राजस्थान की मौजूदा सियासत में एक नेत्री पर बिल्कुल सटीक लगती है। उस नेत्री पर जो पिछले दो दशकों से राजस्थान का सबसे सशक्त और सियासी चेहरा रही है, वो देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का मजबूत स्तंभ भी रही है। कहते हैं कि राजनीति उनके खून में घुली हुई आई है। देश के सबसे बड़े सिंधिया राज घराने की वे बेटी हैं। सियासत में विरोधियों को धूल चटाने के सभी पैंतरों में वे माहिर मानी जाती हैं और गाहे बगाहे वे अपनी पावर पॉलिटिक्स का नमूना भी दिखाती रही हैं। राजस्थान के तमाम ब्यूरोक्रेट्स उनके व्यक्तित्व के आगे नतमस्तक रहे हैं और एक फोन पर लाइन हाजिर हो जाया करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय वर्मा। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सियासत को अपने प्रभावशाली अंदाज में चलाने वाली धौलपुर की महारानी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की। वो महारानी जिसने अपने राजनीतिक जीवन में मौके बेमौके उन पर सवाल खड़े करने वालों के मुंह बंद कर दिए। यहां तक कि जब उनके नेतृत्व पर सवाल उठे तो भाजपा के राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व तक को उन्होंने आंखें दिखाकर अपनी बातें मनवा ली। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि वसुंधरा राजे को पूरे देश ने डबडबाई आंखों के साथ देखा, जैसे उनकी उम्मीदों को किसी ने कुचलकर खाक कर दिया हो और हताशा ऐसी मानो जिगर को निचोड़ दिया। राजनाथ सिंह के बगल में बैठी वसुंधरा राजे अपने भावों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही थी। मौका था नए सीएम की घोषणा का। वसुंधरा राजे को विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति का भरोसा था। अचानक से राजनाथ सिंह ने उन्हें एक पर्ची थमाई तो उनके हाव भाव ही बदल गए। पर्ची में नए सीएम का नाम प्रस्तावित था। तमाम दावों और कयासों पर विराम लगा। राजस्थान का नया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बना दिया गया। बस इसी क्षण लगा मानो दो बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के युग का अंत हो गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि वसुंधरा राजे का अब क्या होगा? क्या वे लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? क्या वे दिल्ली चली जाएंगी? क्या वे पार्टी में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगी या उनको राज्यपाल बना दिया जाएगा? इसी बीच उनके समर्थकों का कहना है कि महारानी हार नहीं मानेगी। अब इस हार नहीं मानने के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे ने पहले भी कभी हार तो नहीं मानी थी। तो वसुंधरा राजे के व्यक्तित्व को सही मायने में जानने के लिए उनके राजनीतिक जीवन को टटोलना जरूरी बन जाता है। तो शुरू करते हैं राजस्थान की सियासत की सिरमौर रही इस सशक्त धौलपुर की महारानी की कहानी को। देश के सबसे बड़े सिंधिया परिवार में जन्मी वसुंधरा राजे को सियासत उनकी मां राजमाता विजय राजे सिंधिया से विरासत में मिली थी। विजय राजे सिंधिया ने साल 1984 में उन्हें पहली बार चुनाव मैदान में मध्य प्रदेश के भिंड विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा था। यहां कांग्रेस के कृष्ण सिंह से उनको 87,000 वोटों से हार मिली। इसकी वजह इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके पक्ष में बनी सहानुभूति वाली लहर को माना जाता है। इसके बाद वसुंधरा की शादी राजस्थान के धौलपुर राजघराने में हो गई। यहां उन्हें भैरव सिंह शेखावत यानी राजस्थान के बाबू शाह का पूरा सहयोग मिला। 1985 से 1987 तक वे भारतीय राजस्थान युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष भी रही। बाबू शाह के आग्रह पर 1998 में उन्हें झालावाड़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया गया। वे यहां भी चुनाव जीत गईं और वाजपेयी मंत्रिमंडल में विदेश राज्य मंत्री बनी। यहीं से उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा और अब उन्हें दिल्ली रहते हुए राजस्थान भाने लगा। उनके असल राजनीतिक जीवन की शुरुआत तो 2002 में भैरव सिंह शेखावत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद हुई। अब राजस्थान के सभी बड़े नेताओं की नजरें सीएम राजस्थान की कुर्सी पर थी। गुलाबचंद कटारिया, हरिशंकर भावड़ा, घनश्याम तिवाड़ी और ललित किशोर चतुर्वेदी जैसे नेता मानने लगे कि अब उनको मौका मिलेगा, जबकि वसुंधरा राजे बाबू शाह की चहेती थी। बाबू शाह ने भी प्रदेश के नेताओं को खुद उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की सलाह दे डाली और वसुंधरा को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वसुंधरा राजे ने तैयारियां शुरू कर दी और राजस्थान में परिवर्तन यात्रा का आगाज कर दिया। हालांकि उनकी परिवर्तन यात्रा को पर्यटन यात्रा का नाम देकर मजाक भी उड़ाया गया। राजस्थान में घनश्याम तिवाड़ी और गुलाबचंद कटारिया जैसे बड़े कद्दावर नेता उनका नेतृत्व स्वीकारने को दिल से राजी नहीं थे। खैर, वसुंधरा राजे ने जमकर प्रचार प्रसार किया और उन्हें 2003 के विधानसभा चुनाव में भारी जनसमर्थन मिला। उन्होंने 200 में से कुल 120 सीटें जीती और वे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन सरकार बनाने के एक साल बाद ही उनकी राजनीतिक पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। धौलपुर की महारानी के लिए राजस्थान का सिंहासन उस वक्त कांटों भरा ताज बन गया जब राजस्थान से शुरू हुई गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आग ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजस्थान के गुर्जर अनुसूचित जाति में शामिल होने की मांग कर रहे थे। वसुंधरा पर आरोप लगे कि वे समय रहते व्यवस्था को संभाल नहीं पाई। वे यहीं से विवादों के भंवर में फंस गई। उनकी ही पार्टी के बड़े नेताओं ने उनका साथ छोड़ दी।
2008 के विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व से वसुंधरा ने जंग का ऐलान कर दिया। पार्टी अध्यक्ष और वसुंधरा में टिकट बंटवारे को लेकर जमकर ठन गई। वसुंधरा खेमे के 90 नेताओं को ही टिकट मिल पाया। इन चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पार्टी की इन चुनाव में हार हुई। इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने राजस्थान में महज 4 सीटें जीती, जिसके बाद वसुंधरा से विपक्ष के नेता का पद छोड़ने का दबाव बढ़ा तो उन्होंने बगावत कर दी। दिल्ली में राजनाथ और आडवाणी से मिली लेकिन बात नहीं बन पाई। यह वक्त वसुंधरा राजे के लिए चुनौती भरा था। ऐसे में चुप रहना उन्हें राजस्थान की राजनीति से बाहर का रास्ता दिखा सकता था, इसलिए उन्होंने बगावत कर दी और पार्टी आलाकमान को पार्टी छोड़ने की धमकी दे डाली। महारानी ने दावा किया कि 79 में से 56 विधायक उनके साथ हैं। वसुंधरा ने धमकी दी कि वे अलग पार्टी बना लेंगे। उनका दबाव काम कर गया। गडकरी ने उनकी बात मान ली और उन्हें दोबारा अध्यक्ष बना दिया गया। 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को भारी बहुमत मिला। कांग्रेस के मुकाबले वसुंधरा को 163 सीटें मिली। धौलपुर की महारानी राजस्थान की फिर से मुख्यमंत्री बन गई। सीएम रहते हुए वसुंधरा राजे ऐसी पावर लेडी बन गई कि जो राजस्थान में महिलाओं के लिए मोटिवेशनल फेस बन गई। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को उनके कार्यकाल में बढ़ावा मिला। पर्यटन व्यवसाय और आधारभूत विकास को पंख लगे। राजस्थान के बूढ़े, बच्चे, जवान और सबसे ज्यादा महिलाओं में वसुंधरा राजे का क्रेज ऐसा बढ़ा कि वो आज भी है। लेकिन उनकी उपलब्धियों के साथ ही उनके कुछ कठोर फैसलों की आलोचनाएं भी हुई। कई आरोप लगे। गुर्जर आंदोलन के साथ ही आनंदपाल एनकाउंटर भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। इसके बाद तो वसुंधरा की अदावत ने नई राह पकड़ ली। इस बार की लड़ाई उनकी नरेंद्र मोदी और अमित शाह से थी। 2013 के जो चुनाव हुए थे उनसे पहले दिल्ली की सियासत में नरेंद्र मोदी की एंट्री हो चुकी थी। राजस्थान में उस दौरान भाजपा की प्रचंड जीत हुई। भाजपा ने 163 सीटें जीती, जिसका श्रेय मोदी मैजिक को दिया जाने लगा। तो वसुंधरा का बयान ये आया कि भाई ये सिर्फ मोदी मैजिक नहीं है, मैंने भी तो काम किया है। तब मोदी की एंट्री हुई थी, लेकिन वसुंधरा और मोदी की अदावत की शुरुआत यहां से हो चुकी थी। वसुंधरा ने एक बार फिर राजस्थान की सीएम का ताज पहना। इसके बाद 2018 से पहले गजेंद्र सिंह शेखावत को अध्यक्ष बनाने के लिए केंद्र का दबाव बना, लेकिन मैडम नहीं मानी। फिर मदन लाल सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इस जीत को भी वसुंधरा राजे की जीत के तौर पर देखा गया, लेकिन 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें मोदी और वसुंधरा की अदावत चरम पर पहुंच चुकी थी। मोदी शाह के पास पुरानी अदावत का हिसाब किताब बराबर करने का मौका मिल गया। इस बार राजस्थान में बीजेपी ने बिना चेहरे चुनाव लड़ा और बहुमत के साथ चुनाव भी जीता, और इस जीत का श्रेय इस बार मोदी के खाते में जुड़ गया। चुनाव परिणाम के बाद बाड़ेबंदी की खबरें भी सामने आई थी। हालांकि वसुंधरा ने दिल्ली में सफाई भी दी, लेकिन सीएम पद पर फैसला पहले ही हो चुका था। भजनलाल शर्मा का नाम पर्ची में आते ही वसुंधरा के धड़कनें बढ़ गई, होश फाख्ता हो गए। उन्हें पता चल गया था कि बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। खैर, वसुंधरा राजे भाजपा की एक प्रभावशाली नेता रही हैं। उनके कार्यकाल को भुलाया नहीं जा सकता है। वे विरोधियों से लड़ना भी जानती थी और मौका पड़ने पर मनाने में भी माहिर थी। उनके मंत्रिमंडल में उन्होंने अपने विरोधियों को भी पोर्टफोलियो बांटे थे। खैर, राजनीति के इस दौर को वसुंधरा युग का अंत बताया जा रहा है। ये दौर अब बदल चुका है। दिल्ली की सियासत अब अदावत पर पलटवार करने वाली हो चुकी है। वसुंधरा राजे के बेटे अब झालावाड़ 12 लोकसभा से सांसद हैं। उनका राजनीतिक भविष्य क्या रहेगा, यह देखने वाली बात होगी। वसुंधरा राजे के राजनीतिक जीवन से जुड़े घटनाक्रमों की एक लंबी फहरिस्त है जो अभी पूरी नहीं हो सकती। अगले एपिसोड में हम कुछ नई जानकारियों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।